हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में समझेंगे कि द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। ओके, आइए समझते हैं। देखिए, द्रवणांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से द्रवणांक पर किसी पदार्थ के ठोस अवस्था से यानी सॉलिड स्टेट से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर जितनी ऊष्मा अवशोषित होती है यानी जितनी ऊष्मा उसमें लगती है, ठीक है, उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ओके, यही आपका गुप्त ऊष्मा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।